गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। आज हम अपना इंग्लिश का एनालिसिस स्टार्ट करने वाले हैं। नसरुद्दीन्स एम, इंग्लिश का मैरीगोल्ड लेसन, यूनिट 3 लेसन है ये, क्लास 4। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको समझते हैं पूरा लेसन और उसकी एक्सरसाइज करने की ट्राई करेंगे। क्लियर? वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा ध्यान से बिल्कुल। चलिए, वन डे नसरुद्दीन वॉज चैटिंग विद हिज फ्रेंड। वन डे, एक दिन नसरुद्दीन वॉज चैटिंग, चैटिंग मतलब बातचीत करना, चैटिंग विद हिज फ्रेंड। नसरुद्दीन एक दिन अपने दोस्तों के साथ बातचीत कर रहा था। ही बिगेन टू बोस्ट, नो वन कैन मैच माई स्किल इन आर्ट। ही बिगेन टू बोस्ट, बोस्ट मतलब बड़ा चढ़ा के अपनी प्रशंसा करना। ठीक है, क्या कहता है? नो वन कैन मैच माई स्किल इन आर्चरी, आर्चरी में यानी कि तीर कमान में मेरा कोई मुकाबला नहीं कर सकता, यह उसने कह दिया। आई स्ट्रिंग द बो, टेक एम एंड शूट द एरो, बुश द एरो इज श्योर टू हिट राइट ऑन टारगेट। क्या कहता है वो? आई स्ट्रिंग द बो, मैं धनुष पे चढ़ाता हूँ धागा, प्रत्यंचा, ठीक है, एम लगाता हूँ और शूट कर देता हूँ, और जो एरो है सीधा जाके सही निशाने पे टारगेट पे लगता है। हियरिंग दिस, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स इमीडिएटली ब्रॉट अ बो एंड सम एरो। और उसकी ये बात सुन के उनका एक दोस्त तभी तुरंत एक तीर कमान ले आया, ठीक है, धनुष ले आया और तीर ले आया। गिविंग देम टू नसरुद्दीन ही सेड, हियर नसरुद्दीन, टेक दिस बो एंड एरो। अब देखो, उन लाके वो नसरुद्दीन को कहता है, लो नसरुद्दीन, हियर नसरुद्दीन, टेक दिस बो एंड एरो, ये लो धनुष और बाण। Then pointing towards the target, he said, aim at that target and shoot an arrow. और वो उसका दोस्त एक निशाने की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि वो रहा निशाना, अपना धनुष बांध लो, निशाना लगाओ और अपना तीर निशाने पे लगाओ। नसरुद्दीन held the bow in his hand, strung it. नसरुद्दीन बो को अपने हाथ में लिया, उस पर धागा बांधा, एम्ड एट द टारगेट एंड शॉट एन एरो, टारगेट की तरफ तीर रखा, उसको खींचा और छोड़ दिया, निशाना लगा दिया। द एरो डिडंट हिट द टारगेट। अब आवाज निकलती है तीर के निकलते ही, अब जैसे उसने तीर छोड़ा और वो टारगेट पे मिस हो गया, मतलब जो उसको निशाना लगाना था, जहां पे उसे निशाना लगाया था वो मिस हो गया, वो वहां नहीं लगा। इंस्टेड इट फेल डाउन समवेयर इन द मिडल, और तो और वो वहां तक पहुंचा भी नहीं, जहां तक उसे निशाना लगाना था वहां तक उसका तीर पहुंचा भी नहीं, और बीच में ही मिडल में ही गिर गया वो। सभी हंसने लग गए, हा 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 हा, हिज फ्रेंड स्टार्टेड लाफिंग, उसके सारे दोस्त हंसने लगे कि पहले तो कह रहा था, बड़ी ऊंची ऊंची बातें कर रहा था कि मैं निशाना लगा देता हूं कुछ भी, और अब उसका तीर भी वहां तक नहीं पहुंच पाया। दे सेड, हे नसरुद्दीन, इज दिस योर बेस्ट एम। नसरुद्दीन के दोस्त उसे कहते हैं, क्या है तुम्हारा सबसे अच्छा निशाना था ये? ओह नो, नॉट एट ऑल, सेड नसरुद्दीन, ओह नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल कुछ भी नहीं था, ये तो डिफेंडिंग हिमसेल्फ, अपने आप को बचाते हुए ऐसा उसे कहता, नहीं नहीं ये तो कुछ भी नहीं, तो ऐसे ही हो गया। दिस वॉजेंट माई एम, इट वॉज आजाद्स एम, ये मेरा एम नहीं था, ये तो आजाद का एम था, उस पर निशाना लगाना। आई जस्ट शोड यू हाउ आजाद शूट्स एन एरो, मैंने तुम्हें बस ये बताया कि मेजी का आजाद होता तो वो किस तरह से मारता। अब जब उसका तीर वहां तक नहीं पहुंचा लेकिन अपनी हार नहीं मानते, वो क्या कहता है, ये तो मैं आजाद की नकल कर रहा था कि मेजी का आजाद होता जो उसका फ्रेंड है
वो अगर तीर चलाता तो वो इस तरह से कुछ चलाता। Saying this, Nasruddin picked up another arrow. अब इतना कह के नसरुद्दीन ने दूसरा तीर उठा लिया, निशाना लगाने के लिए दूसरा तीर उठा लिया। Once again he strung the bow, aimed at the target and shot the arrow. और फिर से धनुष उठाया, तीर रखा और फिर से निशाना उसने लगाया। This time the arrow fell a little further from where it had fallen before. और इस बार क्या हुआ, जहाँ तीर पिछली बार गिरा था उससे थोड़ा सा आगे जाके वो तीर गिर गया। पहले अगर तीर यहाँ गिरा था तो अगला तीर जाके यहाँ गिर गया, लेकिन एम तक नहीं पहुंचा वो, इस बार भी नहीं पहुंचा। But it certainly didn't hit the target. They asked Nasruddin, and this must be how you shoot an arrow. अब देखो फिर से वो टारगेट पे नहीं पहुंचा, तो उसके दोस्त कहते हैं, they asked, उन्होंने पूछा, and this must be how you shoot an arrow. तो ये तरीका है जिस तरह से तुम एरो को शूट करते हो। अब नसरुद्दीन ने क्या कहा होगा, जानते हैं क्या कहता है वो। ऑफ कोर्स नॉट, आर्ग्यूड नसरुद्दीन। अब नसरुद्दीन उनसे बहस करते हुए कहता है, नहीं नहीं ये तो ऐसे ही था, ऐसा थोड़ी ना मैं इतना निशाना लगाता हूँ। इवन दिस एम वॉज नॉट माइंड, और क्या कहता है, और तो बल्कि ये भी मेरा तरीका नहीं था। इट वॉज द चीफ गार्ड्स एम, ये जो मैं तुमको अभी तरीका तीर चला के दिखाया, ये तरीका है चीफ गार्ड एम, मतलब सेनापति होते हैं वो इस तरह से तीर चलाते हैं, ये तो ये भी मेरा का तरीका नहीं है। सबसे पहले उसने कहा था कि आजाद ऐसे तीर चलाएगा, अब जो तीर उसका नहीं पहुंचा तो अब क्या कहता है कि इस तरह से तो सेनापति तीर चलाते हैं, चीफ गार्ड मतलब सेनापति। नाउ समबडी रिमार्क, वेल नाउ हुज नेक्स्ट ऑन द लिस्ट। अब उनके दोस्त से कोई बोला, चलो पहले आजाद का था अब सेनापति का था, चलो बता दो अगला तीर तुम किसका बताने वाले, ताकि हमें पहले से ही पता लग जाए कि वो तीर किसका है, ठीक है, कौन उस तरह से तीर चलाता है, ताकि इनको पहले ही पता लग जाए कि अब किसके नाम का तीर चलाने वाला है। हियरिंग दिस ऑल द फ्रेंड बर्स्ट आउट लाफिंग। अब उसके दोस्त की ये बात सुन के उसके बाकी दोस्त जोर जोर से हंसने लगे। चलो नसरुद्दीन अब ये बता दो कि अगला तीर जो तुम चलाने वाले हो वो किसके जैसा चलाने वाले हो। नसरुद्दीन डिडंट से अ वर्ड, नसरुद्दीन एक शब्द नहीं बोला। ही क्वाइटली पिक्ड अप वन मोर एरो, चुपचाप उसने एक और तीर उठाया। एंड अगेन एंड एट दिस टाइम नसरुद्दीन वॉज रियली लकी, द एरो हिट राइट ऑन द टारगेट। नसरुद्दीन ने फिर से चुपचाप तीर उठाया, निशाना लगाया और लकीली इस बार उसका निशाना बिल्कुल टारगेट पे लग गया, राइट ऑन द टारगेट, सीधे निशाने पे उसका तीर लग गया। एवरीबडी स्टेयर्ड एट नसरुद्दीन, एवरीबडी स्टेयर्ड एट नसरुद्दीन, देयर माउथ्स अगेप इन अमेजमेंट। सभी नसरुद्दीन को देखते रह गए, उनके मुंह खुले के खुले रह गए, हैरान हो गए वो। बिफोर एनी वन कुड से एनीथिंग, जितने में कोई और दोस्त का कुछ बोलता नसरुद्दीन बोल उठता है, क्या कहता है, ट्रायम्फेंटली डिड यू सी दैट इट वॉज माई एम। उसमें कहता है जीत गया मैं, क्या तुमने देखा ये मेरा एम था, ये मेरा निशाना था। तो आखिर में लास्ट में नसरुद्दीन का निशाना लग ही जाता है। तो देखा आपने किस तरह से, पहले तो उसने बहुत अपनी बड़ाई करी नसरुद्दीन ने कि मैं बहुत अच्छा तीर चलाता हूँ, और जब उसका तीर निशाने पे नहीं लगा तो उसने बहाने बना दिए, और जैसे ही उसका तीर निशाने पे लगा तो उसने सारी वाहवाही लूट ली। समझ में आया लेसन आपको, कैसा लगा ये लेसन, अगर लेसन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है, और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, नीचे रेड बटन है। चलिए इसकी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। अब हम व्हाट डिड नसरुद्दीन बोस्ट अबाउट,
नसरुद्दीन किस चीज के बारे में अपनी वाहवाही कर रहा था? नसरुद्दीन बोस्ट अबाउट हिज स्किल्स इन द आर्चरी, जो उसकी आर्चरी है, आर्चरी क्या होता है, धनुष बाण, उसमें जो उसकी स्किल्स हैं उसके बारे में वो बड़ा चढ़ा के बोल रहा था। Why did Nasruddin take someone else's name each time he missed the target? जितनी बार नसरुद्दीन ने अपना टारगेट मिस किया उसने हर बार दूसरों का नाम क्यों लिया? क्योंकि वो नहीं चाहता था कि किसी को पता चले उसके बारे में, उसकी नाकामी के बारे में कोई उस पर उंगली उठाए। क्लियर? ही डिड नॉट वॉन्ट समवन टू पॉइंट आउट ऑन हिम अबाउट हिज स्किल्स ऑन आर्चरी, नहीं चाहता था कि कोई उसकी आर्चरी पर शक करे। वाई डिड नसरुद्दीन से इट वॉज माई एम द थर्ड टाइम, तीसरी बार नसरुद्दीन ने ऐसा क्यों कहा कि ये मेरा एम था? क्योंकि तीसरी बार जो तीर था उसको निशाने पे लग गया था। द नसरुद्दीन सेड इट वॉज माई एम द थर्ड टाइम बिकॉज एट थर्ड टाइम द एरो हिट द टारगेट परफेक्टली। डू यू थिंक नसरुद्दीन वॉज गुड एट आर्चरी, क्या आपको लगता है नसरुद्दीन आर्चरी में, तीर कमान में अच्छा था? नो, वी डोंट थिंक नसरुद्दीन वॉज गुड एट आर्चरी बिकॉज आउट ऑफ थ्री ट्रायल ही वॉज एबल टू हिट द टारगेट ओनली वंस, दैट वॉज टू लकीली। ठीक है, आंसर आपने सुन लिए होंगे, मैंने आपको आंसर बता दिए हैं इनके। चलिए आगे पढ़ते हैं कुछ। नसरुद्दीन हुज्जा, वन डे द किंग फोर्स नसरुद्दीन हुज्जा टू गो ऑन अ हंट विद हिम, एक दिन किंग ने नसरुद्दीन को फोर्स किया कि चलो मेरे साथ शिकार पर चलो। When the hunting party returned in the evening, और जब शाम को सब हंट करके वापस आए तो how did the hunt go? तो राजा ने पूछा कि हंट कैसा गया, शिकार कैसा गया? It was wonderful, वो क्या कहता है, बहुत अच्छा था। Did you kill anyone animal? वो कहते हैं क्या तुमने किसी जानवरों को मारा? कहता है वो no। Did you chase any animal? क्या तुमने किसी जानवर का पीछा किया? तो फिर कहता है नो। डिड यू सी एनी एनिमल? तो पूछता है क्या तुमने कोई एनिमल देखा? वो कहता है नो। देन व्हाई डू यू से द हंट वॉज वंडरफुल? तो तुम ये कैसे कह सकते हो कि शिकार बहुत अच्छा गया? ओ माई डियर, वेन यू गो टू हंट सच डेंजरस एनिमल इट इज ऑलवेज मार्वलस नॉट टू कम अक्रॉस एनी। क्या कहता है वो, जब भी तुम इतने डेंजरस एनिमल्स के शिकार पर जाते हो तो सबसे अच्छी बात क्या होती है कि तुम उसके सामने आओ ही मत, सबसे अच्छी बात ये होती है। ठीक है, तो शिकार पे भी गया वो और शिकार भी नहीं करके आया, उससे बचता रहा वो। बी आर नसरुद्दीन हुज्जा योर सेल्फ। अब देखिए पिक्चर देखिए, सामने एक ग्रैंड ओल्ड लेडी है तो फिर स्टेयर्स पर चढ़ रही हैं और वो गिर जाती हैं। वट वुड यू हैव डन इफ योर ग्रैंड मदर स्लिप? अब आप बताइए, अगर आपकी ग्रैंड मदर सीढ़ी से फिसल कर गिर जाती हैं तो आप क्या करते, बताइएगा? ठीक है, आप उनकी मदद करते, उनको हाथ पकड़ के उनको उठाते, उनको बैठ ने पूछते उनसे कि आपको कोई चोट तो नहीं लगी? ठीक है, अगर आप चोट लगी होती तो आप डॉक्टर को ले जाते डॉक्टर के पास, या डॉक्टर को बुलाते, ऐसा ही करते बिल्कुल। चलिए, शूट द एरो एंड हिट द टारगेट बाय मैचिंग द वर्ड्स विद देयर करेक्ट मीनिंग। अब देखिए यहाँ पे वर्ड्स दे रखे हैं और यहाँ पर उनके मीनिंग दे रखे हैं, तो हमको उनको मैच करना है। चैटिंग, चैटिंग का मतलब क्या होता है? चैटिंग का मतलब होता है टॉकिंग इनफॉर्मली।
अमेजमेंट हैरान हो जाना, ग्रेट सरप्राइज। आर्चरी, आर्चरी क्या होता है? शूटिंग विद अ बो एंड एरो। आगे बढ़ते हैं, डिफेंडिंग, डिफेंडिंग मतलब बचाना, तो प्रोटेक्टिंग फ्रॉम अटैक। टारगेट, टारगेट क्या होता है? गोल, जिस पे हम निशाना लगाते हैं। ट्रायम्फेंटली, हैप्पीली और खुशी से और गर्व से। चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब हम रिप्लेस द बोल्ड वर्ड विद द वर्ड फ्रॉम द क्वियर एंड री राइट द सेंटेंस। क्वियर क्या होता है? जिसमें तीरों को रखा जाता है, ठीक है, उसे क्वियर कहते हैं। इन नो टाइम शी हिट द ऑब्जेक्ट शी एम्ड एट। आपको क्या करना है, जो यहाँ पे बोल्ड हो रखे हैं, जो डार्क कलर में लिखे हुए हैं वर्ड, उनको चेंज करना है और यहाँ से कोई वर्ड चूज करके उसमें लिखना है। इन नो टाइम शी हिट द टारगेट, इसकी जगह क्या लिख दोगे आप? टारगेट। नसरुद्दीन वॉज श्योरली नॉट अ गुड आर्चर। श्योरली का मतलब क्या होता है? सही तरीके से, तो इसका क्या आ जाएगा, इसकी जगह श्योरली की जगह आ जाएगा सर्टेनली, ठीक है। द टीचर सेड समथिंग अबाउट दिस गुड हैंड राइटिंग, ही फेल्ट वेरी हैप्पीली। द टीचर रिमार्क, ठीक है, पॉइंट आउट करना, रिमार्क। आगे बढ़ते हैं। दिस इज अ पिक्चर ऑफ राहुल गुप्ता, यूजिंग द क्लूज गिवन राइट अ पैराग्राफ अबाउट हिम इन योर नोटबुक। अब देखिए यहाँ पे पिक्चर दे रखी है, ये है राहुल गुप्ता, इसके बारे में आपको यहाँ लिखना है, हिंट्स यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है। चलिए मैं लिख देता हूँ आपको, आपके लिए। तो आप ये लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, मैंने पैराग्राफ लिख दिया है। राहुल गुप्ता इज अ बैट्समैन इन इंडियन क्रिकेट टीम। ही डेली प्रैक्टिसेस फॉर एटलीस्ट 8 hours एंड रन्स 2 kilometers एवरी डे। ही इज वेरी कॉन्शियस अबाउट हिज डाइट, सो ही ओनली ईट्स हेल्दी फूड। ही इज अ वेरी गुड क्रिकेट प्लेयर। ही इज ऑल्सो अ रोल मॉडल फॉर मैनी अदर प्लेयर्स ऑल्सो। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको देख के वीडियो को पॉज कर दीजिएगा और फिर लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। दिस इज राजीव्स फैमिली, दे आर अ हेल्दी फैमिली, सी वॉट ईच वन डज टू रिमेन हेल्दी। देखिए राजीव की फैमिली है और ये बहुत ही हेल्दी फैमिली है। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या क्या करते हैं सभी फैमिली मेम्बर अपने आप को हेल्दी रखने के लिए। देखिए फादर जिम करते हैं, मदर योगा कर रही हैं, सीता स्कीपिंग कर रही है, ग्रैंडपा वॉक के लिए जाते हैं, ग्रैंडमा अच्छे से खाना खाती हैं, पीती हैं, राजीव देखिए स्पोर्ट्स में है। यूज द वर्ड्स एंड और बट एंड मेक एज मैनी सेंटेंसेस एज यू कैन अबाउट राजीव फैमिली। एग्जाम्पल, ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ग्रैंडपा इज वॉकिंग अप बट राजीव इज जॉगिंग। चलिए हम वर्ड्स बनाते हैं इसके, सेंटेंसेस बनाते हैं इसके लिए भी। देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, आप यहाँ से देख के लिख सकते हैं। फादर लाइक्स टू गो जिम एंड मदर डज योगा एट होम। फादर लिफ्ट वेट बट मदर प्रेफर्स योगा। सीता एंड राजीव बोथ लाइक्स आउटडोर एक्टिविटीज। सीता लाइक्स स्किपिंग बट राजीव लाइक्स जॉगिंग। ठीक है, एंड से भी हमने बना लिए और बट का यूज करके भी हमने सेंटेंस बना लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वॉच द एरो पियर्स द एप्पल, हाउ वुड यू लाइक टू सी द एरो पियर्सिंग द रेड एप्पल। ब्रिंग द पेज क्लोज टू योर फेस, टच द स्टार विद योर नोज एंड देन लुक एट द पिक्चर।
अब देखिए आपको बताना है कि ये जो एरो है ये एप्पल को किस तरह से काटेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप पेज बुक को अपनी फेस के पास लाइए, अपनी जो नोज है इसको जो स्टार बनाए यहाँ पे, इस पर टच करिए, ठीक है, इस पर टच करिए अपनी नोज, और उसके बाद टच करके देखिए कि कहाँ पर जाएगा अपनी आंखों से, एंड देन लुक एट द पिक्चर। लेट्स प्ले। फिल इन द ग्रिड विद द वर्ड्स गिवन बिलो, यू कैन यूज वन वर्ड मोर देन वंस। अब देखिए यहाँ पे हमें वर्ड्स दे रखे हैं, इनको फिल करना है। नेम ऑफ द गेम, व्हाट यू प्ले विथ, यहाँ पे गेम्स के नाम दे रखे हैं, और यहाँ पे हमें बताना है कि हम किस चीज़ से खेलते हैं। वेयर यू प्ले इट, हम कहाँ खेलते हैं, और नंबर ऑफ प्लेयर्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको फिल करते हैं। क्रिकेट, व्हाट डू यू प्ले विथ, किससे खेलते हैं हम, बैट एंड बॉल से खेलते हैं, तो यहाँ आ जाएगा बैट बॉल। वेयर यू प्ले इट, कहाँ खेलते हैं हम क्रिकेट को, हम क्रिकेट को खेलते हैं स्टेडियम में और ग्राउंड में। ठीक है, तो यहाँ दोनों लिख सकते हैं हम, चलिए यहाँ लिख देते हैं हम स्टेडियम। नंबर ऑफ प्लेयर्स, क्रिकेट में कितने प्लेयर्स होते हैं, 11। क्लियर है। हॉकी, हॉकी चलिए मैं आपको ओरली बता देता हूँ, आप यहाँ फिल कर लीजिएगा। हॉकी, व्हाट डू यू प्ले विद, हॉकी किससे खेलते हैं हम, स्टिक से खेलते हैं, हॉकी किससे खेलते हैं, स्टिक से। ठीक है, और कहाँ खेलते हैं हॉकी को, ग्राउंड में खेलते हैं। कितने प्लेयर्स होते हैं, इसमें भी 11 प्लेयर्स होते हैं। टेबल टेनिस किससे खेलते हैं हम, टेबल का यूज़ करके खेलते हैं हम, ठीक है, 11। आप 11 नंबर्स में लिखना है आपको 11, ठीक है, मैंने वर्ड्स में लिख दिया, आपको इसे नंबर में लिखना है। उसी तरह से नीचे हॉकी में भी नंबर्स में लिखना है। टेबल टेनिस, टेबल पे खेलते हैं, ठीक है, बॉल का भी यूज होता है इसके अंदर। वेयर यू प्ले इट, टेबल, टेबल यहाँ आएगा, ठीक है, और यहाँ आएगा बॉल, बॉल का है और रैकेट, ठीक है, दोनों आप यहाँ लिख देंगे। नंबर ऑफ प्लेयर्स, दो या चार लोग इसमें खेल सकते हैं, 2 to 4। फुटबॉल, वेयर डू यू प्ले, व्हाट डू यू प्ले विथ, फुटबॉल किससे खेलते हैं, फुटबॉल से खेलते हैं, यहाँ फुटबॉल आ जाएगा। वेयर यू प्ले इट, हम स्टेडियम में खेलते हैं इसको, नंबर ऑफ प्लेयर्स 11, इसमें भी क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूजिंग द इंफॉर्मेशन इन द ग्रिड, राइट द सेंटेंस अबाउट ईच गेम, वन हैज बीन डन विद फॉर यू। क्रिकेट इज एन आउटडोर गेम, वी प्ले इट विद अ बैट एंड अ बॉल, देयर आर 11 प्लेयर्स इन दिस गेम। चलिए क्रिकेट के बारे में लिखा हुआ है, अगला हम हॉकी के बारे में लिख देते हैं, ठीक है। हॉकी इज एन आउटडोर गेम, ठीक है, वी प्ले इट विद, हॉकी स्टिक एंड बॉल, देयर आर 11 प्लेयर्स इन दिस गेम। ठीक है, हर टीम में 11 प्लेयर्स होते हैं, क्लियर, आप यहाँ से देख के लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी पार्ट, सी में क्या है, टेबल टेनिस, अब टेबल टेनिस के बारे में लिख देते हैं हम यहाँ पर। चलिए मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दिया है,
टेबल टेनिस इज एन इंडोर गेम, अंदर खेला जाता है। वी प्ले टेबल टेनिस विद बॉल एंड रैकेट, देर आर 2 to 4 प्लेयर्स इन अ गेम। फुटबॉल आउटडोर गेम है, फुटबॉल से खेलते हैं हम और 11 प्लेयर्स होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग वर्ड्स आर यूज इन वेरियस स्पोर्ट्स, लिस्ट देम अंडर द स्पोर्ट्स दैट दे आर यूज्ड इन। अब देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड्स के बारे में लिखा हुआ है, ये वर्ड्स किस गेम में यूज किए जाते हैं आपको उसमें लिखना है। गुगली, गुगली यूज होता है क्रिकेट में, तो आप क्रिकेट वाले कॉलम में लिखेंगे यहाँ पे इसे, ठीक है। उसके बाद गोल, गोल का यूज होता है हॉकी में और फुटबॉल में। LBW ये क्रिकेट में यूज होता है। पेनल्टी ये हॉकी और फुटबॉल में यूज होता है। फ्री किक ये फुटबॉल में यूज होता है। पेनल्टी कॉर्नर ये फुटबॉल और हॉकी दोनों में यूज होता है, ठीक है। तो चलिए मैं लिख देता हूँ, चलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है सारा कुछ, आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ पपेट हैंड, यू कैन यूज एन ओल्ड टेनिस बॉल विच हैज लॉस्ट इट्स बाउंस टू मेक द हेड ऑफ अ पपेट, शी लुक्स लाइक अ लिटिल गर्ल इन द स्कर्ट एंड इज वेरी क्विक एंड ईजी टू मेक, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो एक पपेट बना सकते हैं। पपेट क्या होता है? कठपुतली। कैसे बनाएंगे हम? एक पुरानी टेनिस बॉल चाहिए आपको जो कि बेकार हो गई हो, ठीक है, वो बॉल चाहिए हमें। और क्या क्या चाहिए? एक नीडल चाहिए, एक लंबी सी सुई चाहिए हमें, ऊन चाहिए, कलर्ड क्लोथ और कुछ कपड़े चाहिए। स्टार्ट विद द हेड, मेक अ स्मॉल होल इन द बॉल एंड पुश अ लॉन्ग थिक निटिंग नीडल इनटू इट। एक बॉल लीजिए और उसमें जिससे हम बुनते हैं ना, स्वेटर बुनते हैं, वो उसके नीचे से अंदर डाल दीजिए छेद करके। द नीडल गोज इन ऑन अदर साइड एंड राइट अक्रॉस इन साइड द बॉल टू टच द अपोजिट साइड, ठीक है। पूरी अंदर तक घुसानी है, आर पार नहीं करनी है वो। द होल नीड्स टू बी वेरी स्मॉल सो दैट इट इज डिफिकल्ट टू पुश द निडल इन, ठीक है। जो छेद करोगे आप, बहुत ही छोटा छेद करना है ताकि बस आपकी जो निडल है वो ही अंदर जा सके। नाउ कट द थिक टॉप ऑफ एन ओल्ड नाइलॉन सॉक, स्ट्रेच इट टाइटली राउंड द बॉल, स्विंग इट टुगेदर डाउन द बैक। अब देखिए आपको क्या करना है, पुराना कोई नाइलॉन की अगर सॉक्स पड़ी हो आपके पास, ठीक है, तो उसको खोल के उसको सिल के आप उसे उसके बाल बना सकते हैं, कपड़े बना सकते हैं उसके, ठीक है। टेक सम कलर्ड वूल एंड स्टिक ऑन द बॉल, मेक प्लेन्स, पेंट द आईज एंड लिप्स ऑन द बॉल। उसके बाद आप उसकी आईज बना सकते हैं, ठीक है, कलर कर सकते हैं बटन से, किसी भी चीज़ का यूज़ करके आप उसमें बना सकते हैं। कट द टू होल्स इन द कलर्ड क्लोथ टू पुट इन योर फिंगर्स। अब देखिए यहाँ पे आप नीचे से हाथ डालना है अगर आपको, तो आपको दो उसमें छेद भी करने पड़ेंगे जो आप कपड़ा उसको पहनाने वाले हैं, ताकि उसमें से आप उसके हाथ अपने बाहर निकाल सकते हो, ठीक है। होल्ड द निडल इन योर हैंड टू होल्ड योर पपेट, ठीक है, ऐसे पकड़ लीजिए उसको, अपने अंदर हाथ डाल दीजिए उसके अंदर और उसको ऐसे आप पकड़ सकते हैं, यूज कर सकते हैं, उसको चला सकते हैं, ठीक है। राइट टू सेंटेंसेज ऑन योर पपेट, अपने पपेट पे दो सेंटेंस लिख सकते हैं, चलिए लिख देते हैं दो सेंटेंसेस।
ठीक है, आई मेड अ वेरी ब्यूटिफुल पपेट, इट्स नेम इज नीमा, शी इज वेरी क्यूट एंड आई लाइक टू प्ले विद इट वेरी मच। तो यहाँ पे हमारा ये लेसन पूरी तरह कंप्लीट हो गया है, नसरुद्दीन्स एम। हमने एक्सरसाइज भी पूरी एक्सप्लेन कर दी है, आप इसको कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा और बुक के अंदर कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक आप सब अपना अच्छे से ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।